सभी ने भीड़ करने के लिए इकट्ठे किया सब अभिनेताओं ने, लेकिन सम्मान के लिए कभी कोई बात नहीं करी। इस तरह का सम्मान किसी आशा का नहीं हुआ। दो साल से कोरोना काल में आशा सारी मिलजुल कर काम कर रही है और प्रताड़ना को सहती है, हर लोगों की बातें भी सुनती है, फिर भी काम के तत्पर है, लेकिन इस तरह का सम्मान स्वास्थ्य विभाग ने भी नहीं किया अपनी आशाओं का जितना सचिन भाई ने किया। इसलिए हमेशा आज का दिन सबसे उत्तम है। बहनों और भाइयों के लिए हमेशा प्यार ऐसा ही बना रही है, ऐसे ही आशाओं को सम्मानित होता रहना चाहिए। उनका उत्साह बढ़ेगा उसी काम के लिए। बहुत बहुत आभार है क्योंकि अभी तक इस तरह का पर्व मनाया ही नहीं गया जिसने सम्मानित किया। 1000 रुपया उनकी तरफ से हमें मिलता भी है और मिलेगा भी। आज का कार्यक्रम हमने रक्षाबंधन का रखा गया है। जो आशाएं बहने हैं हमारी, जो आशाएं कार्यकर्ता हैं रुड़की विधानसभा क्षेत्र में, हमने उन्हें सबको अपने आमंत्रित किया। हमने उनको देखते हुए ये कहा, हमने गुजारिश करी कि भाई आज जिस हिसाब से आप लोग अपना वर्किंग करती हैं पूरे शहर के अंदर, पूरे कोरोना काल के अंदर 1.5 साल में आपने घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएँ दी हैं, उसी तरह हम भी जो है इस शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ हम भी स्वास्थ्य सेवाएँ देना चाहते हैं और उनके लिए कुछ काम करना चाहते हैं। इसी दौरान जो है कार्यकर्ताओं ने एक भाई बहन के अटूट रिश्ते को आज मनाते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार बनवाया गया है। तो मैं भी आशा कार्यकर्ताओं के पद चिन्हों पर चल के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, जो मेरा अगला लक्ष्य है। देखिए आशा कार्यकर्ता है जो इस बात को कह रही हो सकता है, मैं ये नहीं कहता किसी ने ना किया हो, लेकिन अगर वो कह रही हैं तो मैं उस चीज़ को गलत भी नहीं ठहराना चाहूँगा। लेकिन मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ये प्रोग्राम नहीं किया कि किसी ने किया या नहीं किया। मैं अपनी बहनों के साथ जुड़ना चाहता था और मैं एक माध्यम बनाना चाहता था इस शहर के लिए कि हाँ, जैसे आशा कार्यकर्ता हैं अपना 100% इस शहर के लिए अपना सेवाएं प्रदान करती हैं, उसी तरह मैं भी अपना 100% उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर इस शहर के लिए दे सकूं।